ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो कल हम लोगों ने देखा था, हम लोग उस लेवल पे तो शॉर्ट करेंगे नहीं जो कल मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, ठीक है ना। हम लोगों को शॉर्ट का करना था 17,200 के आसपास, ये कल हम लोगों की बात हुई थी, ठीक। हमने और दूसरे क्या थी, अगर 17,025 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग एक बाय ट्रेड करेंगे और 180 का हमारा टारगेट होगा, ये टारगेट होगा, उसके बाद हम लोग शॉर्ट भी करेंगे। आप यहाँ पे अगर देखोगे निफ्टी ने 17,186 का एग्जैक्टली हाई मारा है, उसके बाद यहाँ पे कहीं उसके बाद मार्केट नीचे आती चले गई। क्यों नहीं करेंगे शॉर्ट, उसका रीजन था PCR। अगर आपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था, एक बोनस टिप दी थी, वो बोनस टिप की वजह से हम लोगों ने शॉर्ट नहीं किया और हमारा एक मेजर लॉस बच गया क्योंकि हम लोगों ने पुट्स कैरी नहीं करी। अब क्या हो सकता है मार्केट में, अभी जो राइट नाउ हुआ है आप देखो ये एक जोन में फंसी हुई है। अब क्या हो सकता है मार्केट में, आप देखो यहाँ पे एक जोन में है ये, ठीक है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रही है। बार बार मार्केट ने यहाँ से ऊपर आया, देन नीचे आया, देन ऊपर आके देन नीचे आके, दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर इस वाले लेवल के नीचे मार्केट जाना शुरू करती है, दैट इज 17,025 हमारा जो अगेन था, ठीक है ना, उसके नीचे जाना शुरू करती है तो हम लोग एक बार शॉर्ट को ट्रेड कर लेंगे और इस वाले स्विंग को क्रॉस करती है, ठीक है। हालांकि अभी हम ऑप्शन चेन में भी देखेंगे हमें बाय कहाँ करना है, 17,220 या 225 के ऊपर ही, ठीक है। उसका रीजन क्या है ऑप्शन चेन पे देखेंगे। चार्ट पे क्या बन रहा है, ये वाला स्विंग जैसे क्रॉस करेगा हम लोग बाय की तरफ जाएंगे, जो कि 186 बन रहा है, बट 186 की तरफ थोड़ा सा हमको ठीक नहीं है। रीजन क्या है, ये 17,200 के कॉल राइटर्स, ठीक है ना, 17,200 के कॉल राइटर्स अभी ट्रैप नहीं, 74 लैक्स एक साइजेबल है, ठीक है। अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये 74 लैक 92 लैक्स तक चली गई थी एक टाइम पे, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग आते आते ये सारे भाग गए। दैट मीन्स मार्केट में एक बुलिश सिग्नल जनरेट होता है, ये अगर ऑप्शन चेन बताती है इस तरीके से, अगर कॉल राइटर्स भाग रहे हैं। डाउन साइड में आप देखो 17,000 एक अच्छा सपोर्ट है, तो 55 लाख टोटल हैं, आज ही 31 लाख ऐड होंगे, तो 17,000 से, आज मैंने उसमें अपडेट भी किया था शीट में, 17,000 से 17,200 एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज किधर की भी साइड ब्रेक करेगी ऑप्शन चेन में, हम लोग उधर की साइड ट्रेड लेंगे। एक चीज और है, हमारा जो भी सिस्टम होता है, देखो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो बेहतर रहेगा। हमारे सिस्टम ने अलाउ नहीं किया था पुट्स कल ले जाने को, तो हम पुट्स नहीं लेके गए। अगर आप पुट लेके प्रॉफिट भी कर जाते और सिस्टम के अगेंस्ट जाते तो उस प्रॉफिट का भी कोई फायदा नहीं है, और अगर आप सिस्टम के साथ लॉस भी करते हो तो उसमें भी फायदा है, ठीक है ना। तो एक सिस्टम पे रहेंगे, उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं, बहुत ही ज्यादा स्क्वीज्ड रेंज में है, ठीक है ना। आप देखो दोनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही 17,200 पॉइंट की रेंज में है, ये भी आराम से पूरी एक रेंज में बैठी हुई है, ऊपर भी एक रेंज है नीचे भी रेंज है, कोई इसमें तो नो ब्रेनर है ये कि मार्केट इसके स्विंग के ऊपर एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हम लोग बाय करेंगे, जो कि लेवल आ रहा है आपका 36,525 के ऊपर, एक भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तो हमें ऊपर का एक अच्छा मूव मिल सकता है। डाउन साइड में हम लोग शॉर्ट तभी करेंगे जब 36,000 का लेवल टूटेगा एक बार हम लोग, क्योंकि कल है एक्सपायरी पे देखते हैं हम लोगों की क्या रेंज बन रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो 36,501 अभी इमीडिएट हर्डल का काम कर रहा है, 25 लाख कॉल्स हैं, ठीक है, और नीचे की साइड में आपका 20 लाख पुट है, तो यानी 36,000 से, ठीक, 36,000 से 36,500 की एक रेंज बन रही है ये कल की। बट मार्केट में अगर जरा सी भी गुड न्यूज आई या फिर कुछ भी हुआ, अगर किसी भी साइड में रेंज तोड़ेगी, ऊपर की साइड में तोड़े या नीचे की साइड में तोड़े, हम लोगों को एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। राइट नाउ अगर मैं बात करूं इंडेक्स लेवल पे, तो इंडेक्स नो ट्रेडिंग जोन में 17,000 से 17,200 के बीच में और 36,500 के बीच में, यहाँ पे अभी कॉल राइटर्स आराम से दबदबा बना के बैठे हुए हैं। द मूवमेंट ये क्रॉस करेगी, पहला टारगेट हमारा 650 के आसपास होगा, ठीक है, वो क्रॉस करेगी, देन 850 और 37,000 तक का, यहां तक के हमारे जा सकते हैं। SL हमारा 100 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। अगर आप ये देखोगे पहला स्टॉक है कोटक बैंक का, मार्केट ने फॉल आया कल का, सबको है, सबको ही पता है, मार्केट ऊपर गया देन नीचे आया, प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हो थोड़ा डब्लू बटन के साथ है, लेकिन 1728 एक लेवल, द मोमेंट ही 1728 को क्रॉस करेगा हम लोग इसको बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। SL हमारा 4-5 रुपए का ही होगा, 1728 का भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है आपका BPCL, आप देख रहे हो यहाँ पे ये डब्लू पैटर्न के साथ इसने भी ऊपर गया था, देन प्राइस सेक्शन के साथ ऊपर जाता रहता है, अभी इसने एक ब्रेकआउट दे दिया है। द मोमेंट ही 392 को क्रॉस करेगा, वी कैन इनिशिएट बाय ट्रेड, 390 का हमारा 2 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 4-5 रुपए 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है आपका TCS। नाउ IT शेयर्स बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों से मार खा रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा देखो
मार्केट नीचे आया, थोड़ा प्री अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हो क्या सकता है, अगर ये बेस्ट केस सिनेरियो को थोड़ा नीचे आके ऊपर चले जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है 3570 का, ठीक है, इससे पहले भी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, यहीं पे इसने देख लो जब मार्केट ऊपर गया देन यहाँ पे सपोर्ट लेके गया, तो एक अच्छा लेवल है 3570। द मोमेंट 3570 अगर क्रॉस करता है तो हमको एक अच्छा टारगेट 20 से 25 रुपए के स्टॉप लॉस से 30-35 पॉइंट का आराम से टारगेट मिल सकता है, 1:2, 1:3 तक भी जा सकता है। नेक्स्ट शेयर आता है आपका अपोलो हॉस्पिटल का, एक ट्रेंड लाइन हो रही है, ट्रेंड लाइन को अच्छे से वो कर रहा है, मतलब आपका फॉलो कर रहा है, यहाँ पे भी इसने करा, अब क्या है ये ऊपर एक दिखाया, ये होती है दिस इज कॉल्ड एन इनसाइड बार, इनसाइड बार का हेडर जब भी टूटता है एक अच्छा स्विंग देखने को मिल जाता है, लेवल हमको 4900 4950 मतलब स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से अच्छा दिख जाएगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है इस केस में, इस कैंडल का लो, लेकिन हेड तोड़ के क्लोज होना चाहिए तब। हमने कुछ स्टॉक्स देखे, निफ्टी बैंक निफ्टी देखा 17,000 से 17,200 की रेंज है, बैंक निफ्टी 36,500 की रेंज है, कहीं की भी साइड टूटेगी तो कल ट्रेंडिंग हो सकता है मार्केट को, क्योंकि कल एक्सपायरी है। प्लस एक चीज़ याद रखना, कभी भी अपने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ओआई बेस्ड सिस्टम कर रहे हो या प्राइस एक्शन देख रहे हो, जो भी आपका सिस्टम हो ठीक है उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करोगे फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहते रहे। कल अगर आप देखोगे तो कल पूरा सब कोई नेगेटिव था, पुट्स लेके जा रहा था, स्टिल हम लोग नहीं कैरी करें, रीजन क्या है, हम लोग अपने सिस्टम पे स्टिक रहे, हो सकता था कल मार्केट आज फिर नीचे गिर जाता, बट वी हैव टू स्टिक इन आवर सिस्टम ओनली। आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो।